नमस्कार, आज मैं बात करूंगा ऑयल के बारे में, तेल के बारे में बात करेंगे। कच्ची घानी का तेल या जिसे हम इंग्लिश में कोल्ड प्रेस ऑयल का इस्तेमाल करना है, लेकिन क्यों करना है। आज ये जो क्यों शब्द है इसको एक्सप्लेन करूंगा, आज इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, कच्ची घानी का तेल जो है ये कई जगह रिकमेंड किया जाता था, कोल्ड प्रेस ऑयल ही यूज करना चाहिए। लेकिन जो है कि इस्तेमाल करना क्यों चाहिए था, ठीक है, क्यों करना चाहिए, ये चीज़ मुझे नहीं पता था। ये क्यों का आंसर मुझे एक दिन मिला। आप सबको पता है कि मैंने पीछे जो है 15 डेज मैंने गलत खाने का खाना खाया, जैसे कि फास्ट फूड बाहर, ठीक है, केवल एक्सपेरिमेंट बेस पे मैंने वो खाना खाया था। तो 15 दिन जब मैंने वो डाइट किया तो उनमें एक चीज़ मैंने जो खाया हुआ है मुझे अच्छी तरह याद है, वो है बाहर जो रेड़ियों पे फ्राई कर कर के बर्गर बनाते हैं ना, वो चीज़ मैंने खाई हुई है। वो फ्राई किया हुआ बर्गर, साथ ही समोसा भी मैंने खाया हुआ, वो भी फ्राई किया जाता है। वो बर्गर जब एक सेकेंड, वो फ्राई किया हुआ बर्गर जैसे ही बॉडी के अंदर जाता था, मानो अजीबोगरीब चीज़ें बॉडी में होती थी, ठीक है, मतलब कि कहीं ना कहीं बॉडी इंडिकेट करती थी कि ये जो है जो चीज़ डला है वो गलत है। आप सब ने भी कभी ना कभी अनुभव किया होगा कि जब हम गलत चीज़ें बॉडी में डालते हैं तो तुरंत पता लग जाता है, बॉडी तुरंत इंडिकेट करती है कि ये गलत चीज़ आपने डाला है। जैसे कोई जहरीली चीज़ आप डालेंगे तो विद इन अ सेकेंड आपके स्टमक में जाते ही आपको पता लग जाएगा, आपकी बॉडी तुरंत बता देगी कि ये गलत है, ये ठीक चीज़ नहीं है ये शरीर में। तो ठीक उसी प्रकार से जब मैंने उसको खाया पिया तो तुरंत मेरे को पता लग जाता था, मेरी बॉडी आंसर करती थी कि ये गलत चीज़ आया है। अब मैं यहाँ क्लेरिफिकेशन आपको देता हूँ कि तेल ही ख़राब क्यों है। जो गलत चीज़ का इंडिकेशन मुझे मिल रहा था वो ऑयल के बारे में मिल रहा था कि जो जिस ऑयल का इस्तेमाल इसको फ्राई करने में हुआ है वो गलत है। मेरे घर में जो है कई बार, आप सबको पता है कि वो उससे बनता है, अपना बन होता है ना बन, उस चीज़ से उसको जो है बर्गर को बनाया जाता है, यानी कि एक तरह का ब्रेड है। वो ब्रेड से बनी हुई चीज़ें जैसे कि ब्रेड पकौड़ा घर में कई बार बनता है, ठीक है, मेरे घर में ये डाइट जो है वो, तो मेरे घर में जो है इस डाइट को केवल मैं ही फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी सब लोग सारी चीज़ें खाते पीते हैं, ठीक है, तो घर में चीज़ें बनती रहती हैं कई कई बार, तो मैं जब इस तरह की चीज़ें बनती तो मैं खा लेता हूँ, ठीक है। मैंने 8-9 महीने, तकरीबन 9-10 महीने पूरी तरह से रेस्ट्रिक्टेड डाइट की है, इस प्रकार का भोजन मैं बिल्कुल नहीं खाता था, लेकिन अभी मैं पूरी तरह ठीक हो चुका हूँ, तो मैं इस तरह की चीज़ें जब घर में ओकेजनली बनती है तो खा लेता हूँ। अब मैं इसमें एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि वो ब्रेड, उस ब्रेड से बनी हुई चीज़, फ्राई की हुई चीज़ घर में जो बना है उसको मैं खा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी किसी प्रकार की कोई इंडिकेशन नहीं दे रही है, ठीक है। बाहर का फ्राई किया हुआ बर्गर अगर खा रहा हूँ तो तुरंत पता लग रहा, तुरंत ब्लड में जाके कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, और घर पे बनी हुई चीज़ को नहीं। तो फ़र्क कहाँ पे है, ऑयल का फ़र्क है, क्योंकि
चीज़ें तो दोनों सेम है, वहाँ पे भी जो है ब्रेड से बनी हुई चीज़ है बाहर जो बना रहे हैं, और घर में भी ब्रेड का ही चीज़ फ्राई किया जा रहा है, तो डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस है ऑयल में। उसका जो ऑयल है जो बाहर वाले का जो बना हुआ, वो बार बार उबाला जा चुका है, और जो घर में जो चीज़ बन रही है वो एक बार उबल रहा है तेल। सो डिफरेंस किस चीज़ में है? ऑयल में है। मैं यहाँ पे ब्रेड को अच्छा नहीं कह रहा हूँ, हैड तो ब्रेड भी ख़राब है, ठीक है, लेकिन ब्रेड बहुत, ब्रेड नुकसान कैसे करेगा? ब्रेड जाएगा अंदर, कॉन्स्टिपेट करेगा, कॉन्स्टिपेशन से आगे डिजीजेस हो सकती, सो वो लंबा है। लेकिन ऑयल तुरंत गया, तुरंत ऐसे आपको नुकसान करेगा, तुरंत के तुरंत उसी वक्त, ठीक है, नाड़ियों को ब्लॉक कर देगा और हर्ट पे जोर मारेगा, ठीक है, हर्ट को बर्बाद करेगा। और आप सबको पता है कि हर्ट से जुड़ी कितनी सारी बीमारियां पैदा हो जाती है, अगर नाड़ियों में कचरा जम जाएगा तो बहुत सारी जो है डिजीजेस की लाइन लग जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से बार बार उबला हुआ ऑयल जो है ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अगर आप तकरीबन 6 महीना उसी बर्गर को रोज़ रोज़ खा लें तो आपको कोई ना कोई भयंकर बीमारी ज़रूर लग जाएगी, नाड़ियों से जुड़ी हुई, हार्ट से जुड़ी हुई। एक चीज़ मैं और इसमें आपको क्लेरिफाई करता हूँ ऑयल के ही उसमें, पीछे अभी मैंने लीवर क्लिनजिंग किया है, आप सबको पता है लीवर क्लिनजिंग किस चीज़ से किया है मैंने, वर्जिन एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, यानी कि वो ऑयल जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का मतलब है कि वो तेल अभी भी गर्म नहीं हुआ है एक बार भी। उस बात से मुझे एक बात समझ में आया कि जो कोल्ड प्रेस ऑयल जो होता है, जो वर्जिन ऑयल्स होता है, वो शरीर की सफाई करता है, और जो उबला हुआ तेल है वो गंदगी मचाएगा आपके शरीर में, और जो नहीं उबला हुआ है वो शरीर को साफ करेगा। सो तेल एक ही है, लेकिन बॉयल से पहले और बॉयल के बाद उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही है, एक चीज़ शरीर के लिए अमृत बन जा रही है और वही बॉयलिंग के बाद जहर बन जा रहा है। ये चीज़ मुझे नहीं पता था पहले, मैं कई लोगों से सुनता था कि कोल्ड प्रेस ऑयल ही यूज़ करना चाहिए, ठीक है, कच्ची घानी का ही क्यों करना चाहिए, ये क्यों शब्द का मुझे नहीं पता था। क्यों का आंसर मुझे इन दो चीज़ों से मिला, उस फास्ट फूड के खाने से मिला, और ये लीवर क्लिनजिंग में जो ऑयल का इस्तेमाल हुआ है उससे ये बात पूरी तरह से क्लेरिफाई हुआ कि क्यों करना चाहिए। कच्चा तेल शरीर को साफ करता है, उबला हुआ तेल शरीर में गंदगी मचाता है, नाड़ियों में जाके ब्लॉक हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। सो उम्मीद करता हूँ कि ऑयल के बारे में कि भाई कच्ची घानी का तेल वर्जिन या जो भी है कोल्ड प्रेस ऑयल का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, आपका भी ये जो है क्लेरिफाई हो गया होगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आज मैं कुछ आपको सिखा पाया हूँ। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।